वहां पर हंगामा क्या हुआ? आप बहुत ज्यादा ना, छठा बार सांसद हूँ, आप हमको सिखाइएगा और आप कृपा पर जीते हैं, मैं अकेला लड़ता हूँ। फॉर द टाइम इंडिपेंडेंट एमपी, फॉर द टाइम नॉट टेल मी। सब अपने नेता का जयकारा कर रहा था, भगवान भगवान कर रहा था, हरे हरे हर हर रहा महादेव, जय श्री कृष्ण जय श्री राम, जो जाता वे उसी का भगवान का जयकारा, नेता का जयकारा, नेता का। हम गए तो हैशटैग #रीनीट और विशेष राज का दर्जा, तो उसी में बोला कि नो दिस इज द नॉट प्रॉपर वे एंड प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर पैलेस। हमने कहा तू भैया मणिपुर तो बचा नहीं पाया, तू जा नहीं पाया, और तू अनुकंपा कृपा पर जीते हो, हमी को प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड वे की बात कर रहे हो। कोई नफरत की राजनीति करने वाले को करने दीजिए, देश ना 10 साल से ज़्यादा किसी के नफरत को आज तक सम्मान नहीं दिया। साध साहब कोरोना में साध का जिक्र आया था, उनको हंगामा हुआ था, 2 दिन के बाद फिर साध का नाम ही ख़त्म हो गई, साध चर्चा ही गायब हो गया, औकात नहीं हुई साध को गिरफ्तार करने की, और साध के नाम पर पूरे देश के मुसलमानों को टॉर्चर कर दिया गया। नमस्कार आदाब, मैं खुशबू अख्तर और आप देख रहे हैं पल पल न्यूज़। आज एक स्पेशल इंटरव्यू हम आपके साथ लेकर आए हैं, एक ऐसे सांसद से आज हम बात करने जा रहे हैं जिन्हें हर कोई पसंद करता है, हर कोई अपना बेटा कहता है, हर कोई गले लगा लेना चाहता है। 2024 की नफरत वाली राजनीति के बीच, तमाम षड्यंत्र के बीच भी आज पप्पू यादव जी संसद में पहुंचे हैं, वो भी दहाड़ के साथ। आज हम उनसे तमाम मुद्दों पर बात करेंगे और उन मुद्दों में सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी सर, नफरत की राजनीति में मुसलमानों को सबसे ज़्यादा निशाना बनाया गया और आप ही हैं इस दौर में जब गले लगा लेते हैं मुसलमानों को तब भी आप पे सवाल उठते हैं, क्या कहेंगे इस? नहीं, कोई सवाल नहीं उठता, सबको मेरे बारे में पता है, कोई मुसलमान हो, दलित हो, कोई हो, सब मेरे खून है। और मैं तो तब भी जब साध साहब कोरोना में साध का जिक्र आया था, उनको हंगामा हुआ था, 2 दिन के बाद फिर साध का नाम ही ख़त्म हो गई, साध चर्चा ही गायब हो गया, औकात नहीं हुई साध को गिरफ्तार करने की, और साध के नाम पर पूरे देश के मुसलमानों को टॉर्चर कर दिया गया, जमायत हिंद से। तो अब क्या रिश्ता है पूरा का पूरा देश का, पूरा समाज का साथ के साथ, कितना वो ह्यूमन बीइंग हैं, कितना ज़्यादा वो देश के प्रति पागलपन है। तो NRC में भी जितना हो सकता हो समाज में जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो दलित है, जो ST/SC है, जो समाज के कमज़ोर तबके के लोग हैं, वो हमेशा एक बात याद रखिएगा, कोई परेशान नहीं होता, आप परेशान करने वाला कर भी नहीं सकते हैं, इस बात को समझिए। साध का क्या बिगाड़ लिया मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, और किसका क्या बिगाड़ता है, इसलिए वो चिंता ना करिए। कोई नफरत की राजनीति करने वाले को करने दीजिए, देश ना 10 साल से ज़्यादा किसी के नफरत को आज तक सम्मान नहीं दिया है। एग्रेशन को यह देश लायक नहीं करता, नफरत को देश लायक नहीं करता, देश अहंकार को लायक नहीं करता, आप इसको समझ लीजिए, इसलिए आप बेफिक्र रहें। जहाँ तक मेरा सवाल है कि मेरा जो लाइफ है वो मैं आनंद मार्गी हूँ, कॉलेज लाइफ से लेकर के आज तक इंडिपेंडेंट जीता, 2 बार मैं पार्टी से जीता हूँ, 7 बार में, उसके बाद 5 बार मैं बिल्कुल अलग MLA से, 4 बार। तो लोगों को मेरे लिए कोई कास्ट क्रिएट नहीं रहता, कोई हिंदू मुसलमान नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता ना, मेरी जो नीयत है वो बिल्कुल क्लियर है, मैं जितना बाहर हूँ उतना भीतर से साफ हूँ, और मैं राजनीति मुझे नहीं आती, मैं सेवा के अलावे कुछ नहीं करता हूँ, मेरी मदद के अलावे कुछ नहीं, मैं कोई भी आए जाए, आप क्या करते हैं, आपकी क्या ज़िंदगी है, वो आप अपना जानिए, आपको दो धंधा करना है जिसको ज़िंदगी में लाइफ, हम आइएगा तो मैं आपको भगवान की तरह इज्जत करूँगा, सम्मान करूँगा, इसके अलावे मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो जब भी कोई क्राइसिस होता है या संकट होता है, मणिपुर का मामला हो, भूज का मामला हो, गुजरात का मामला हो, साइक्लोन आवे, उड़ीसा का मामला हो, जब भी ऐसी कोई बात आती है तो मैं कोशिश करता हूँ एक परिवार की तरह हम्बल उसके साथ उसके लिए जी पाऊँ, उसके लिए कर पाऊँ, आप बेफिक्र रहें। बिल्कुल, हम बेफिक्र हैं सर। उसी के साथ सवाल ये उठता है कि संसद में अगर हम बात करते हैं तो संसद में हर किसी ने अपनी अपनी श्रद्धा के साथ
सब शपथ लिया, लेकिन आपने नीट पर बात उठाई और उस पर भी बवाल मच गया, क्या कहेंगे आप? सर ये देखिए, एक बात समझिए, यह देश में फितरत है, आज नहीं, राम के ज़माने में भी, कृष्ण के ज़माने में भी, शिव के ज़माने में भी विभीषण थे, रावण थे, कंस थे, अजीत थे, मोहम्मद के ज़माने में भी थे, हर ज़माने में चुगला, विभीषण, राम, कंस, आज सोशल मीडिया कल संजय था, तो आप आज राम नहीं है, आज नानक नहीं, आज बुद्ध नहीं, आज वाल्मीकि नहीं है, आज कृष्ण नहीं, आज शिव नहीं, आज मोहम्मद नहीं, आज हजरत नहीं है, आज खाली रावण है। हर घर में लगभग रावण पैदा हुआ, लगभग कंस या अजीत पैदा हुआ है, और कहाँ से चुगला पैदा हुआ है, तो क्या कहाँ से आप ठीक कीजिएगा? कोई युग बाकी है द्वापर में, उस युग में कोई युग बाकी है? जुगे जुगांतर तक ये सब चीज़ चलता रहा है, नफरत की राजनीति आज है खाली। आज भौतिक युग में प्रकाष्ठा पर बढ़ गई, आज बहुत ज़्यादा नफरत की राजनीति, पॉलिटिशियन इसी तरह के धंधा करते हैं। पॉलिटिशियन लोग यदि नफरत की राजनीति ना करें और जात पात की राजनीति, भाषा की, क्षेत्रवाद की राजनीति ना करें, बाइफर्केशन की राजनीति ना करें, जो जितना बड़ा दुष्ट धुरतई दोगलई उतना बड़ा नेता, तो साफ सुथरा राजनीति, ऐश्वर्या राम की जिंदगी, अब राहुल गांधी कहाँ ढूंढोगे? राहुल गांधी जी की माँ ने सत्ता छोड़ दी, राहुल गांधी जी ने सत्ता छोड़ दी, राहुल गांधी एक्सपर्ट में पढ़ के और इतने बड़े परिवार के होने के बाद 10,000 किलोमीटर करकराती धूप में, बारिश में, तूफान में, ठंडा में पैदल चल करके दुनिया को समझने की कोशिश की, एक भरोसा जताया, एक लोगों के विश्वास को देखा, एक उम्मीद जगाए लोगों के भीतर, तो कितना राहुल गांधी को ढूंढोगे? और हमेशा 1, 2, 5 आदमी ही दुनिया बदले, तो सब कुछ बदलता है। और ये देश कभी गलत चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया है। इमरजेंसी ला इंदिरा गांधी जी गई कि नहीं? जो लोग बोलते हैं, एक बार तो पनिश कर दिया, और फिर राहुल जी ने भी इसके लिए कई बार सॉरी किया। जब जब आप लूटे हो 77 में लोगों ने दिया, और लूटने लगे तो आपको हटा दिया, तो किसी को नहीं छोड़ता है। एक सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जबकि मनमोहन सिंह सबसे ईमानदार और उससे अच्छे आदमी कोई नहीं, उसके बारे में वायरल किया, जनता को लगा ये गलत किया मेरे साथ कांग्रेस, हटा दिया। तो जनता किसी को नहीं एक्सेप्ट करती, आप बेफिक्र हो। आज जो जिस तरह पानी चू रहा है, एक कार वाला मर गया है एयरपोर्ट पर, छत गिर गया, अब एयरपोर्ट का छत गिर जाए, अदानी अंबानी, कहीं घर निकलने वाला नहीं, गाड़ी निकलने वाला नहीं, कहीं महिलाओं को स्वच्छ पानी नहीं, महिलाएं निकलने वाली नहीं, 3 घंटा 1 किलोमीटर पर जाके लग रहा है। जब दिल्ली को क्योटो नहीं बना पाए तुम, जब दिल्ली को जापान और लंदन नहीं बना पाए तो बनारस को बनाने चल दिए क्योटो, दिल्ली, जब दिल्ली का ये हाल है तो बाहर भारत का क्या हाल होगा? इसीलिए धन्यवाद, आप बेफिक्र रहें, एकदम चिंता ना करें, लड़ने वाले हैं आज नीट्स के सवाल पर, आप उसको समझिए। हम वहाँ पर हंगामा क्या हुआ, सब अपने नेता का जयकारा कर रहा था, भगवान भगवान कर रहा था, हरे हरे हर 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 महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जो जाता वे उसी का भगवान का जयकारा, नेता का जयकारा, नेता का, हम गए तो हैशटैग #रीनीट और विशेष राज का दर्जा। तो उसी में बोला कि नो, दिस इज़ द नॉट अ प्रॉपर वे एंड प्रॉपर टाइम एंड प्रॉपर पैलेस। हमने कहा तू भैया मणिपुर तो बचा नहीं पाया, तू जा नहीं पाया, तू अनुकंपा कृपा पर जीतो, हम ही को प्रॉपर टाइम एंड प्लेस एंड वे की बात कर रहे हो, हमें पता है, बस इतनी ही तो बात थी। हम आए किसके लिए थे? हम चमचागिरी करने वहाँ थोड़ी गए थे, हम तो आए थे जो देश का सबसे ज्वलंत मुद्दा है, बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, क्या होगा कहना मुश्किल है, इसके लिए हम आए थे। एक आखिरी सवाल सर, बीजेपी जो अब बिहार राजनीति की अगर हम बात करें तो बिहार राजनीति में आपका बड़ा रोल देखने को मिलने वाला है, क्या कहेंगे? कुछ और नहीं भैया, पागल है, कुत्ता काटा है, कोई रोल तोल नहीं है मेरा भैया, जो वक्त मिलेगा फिर आप इतने जमेंगे, परिस्थिति हीरो बनाता है, अवसर सबको मिलता है, कोरोना का अवसर हमको मिला, हम पागल थे, हम लास्ट तक उठाए, मर भी सकते थे, पटना बाढ़ में नीतीश कुमार को भी अवसर मिला, नहीं लिया, हमने लिया, हम 12 दिन सबको एक एक घर खाना खिलाए, इतने इतने पहाड़ में रहे, ब्लड सब मेरा ये हो गया, तो इसीलिए अवसर सबको मिलता है।
जब हमको MLA बने तो हम भ्रष्टाचार खत्म किए, MP बने तो 24 घंटा बिजली दिए, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के तहत डॉक्टर्स को अच्छे बनाने का प्रयास किए। जो जिम्मेदारी जब मिलती है हम 6 महीने में भ्रष्टाचार मिटा देंगे, कह दिए तो कह दिए। तो हम जितना मुझको आता है, हैसियत है, उतने ठीक है, सेवा करते हैं वही ठीक है। राजनीति के दलदल में बहुत प्रवेश नहीं करेंगे, जो जिम्मेदारी संगठन की देगी कांग्रेस तो उसको हम कोशिश करेंगे कि गठबंधन और नेता बात करे 1 साल बाद जब हो। 1 साल तक कोनो गठबंधन के साथ हम नहीं रहेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे, संगठन मजबूत करेंगे और कोशिश करेंगे गठबंधन जब नेताओं को लगेगा हो तो हम 100 सीट से नीचे नहीं ऊपर लड़ेंगे, 1 सीट 100 से नीचे नहीं लड़ेंगे, बराबरी में लड़ेंगे। कल 24 था, देश बचाना था तो राहुल जी ने 9 सीट पर समझौता कर लिया। अब कांग्रेस को जरूरत नहीं है, अब उस जिसको जरूरत है वो तय करे, हम तय करेंगे कि हमको क्या चाहिए, देगा तो ठीक, नहीं देगा तो आगे बढ़ेंगे। हिना साहब को भी बिहार बड़ी टकटकी लगाए देखता है, क्या कहेंगे? बात जब उसको तो खत्म ही कर दिया, अब चिंता मत करिए, पप्पू यादव का वो परिवार है, अब बिल्कुल मैं उनके साथ हूँ।